हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी। शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का चल रहा था नीट और बीसीसी एग्जाम 2023 के लिए क्लास शुरू हो गया था, और आज का जो क्लास होगा बायोलॉजी से नीट और 2023 के लिए बीसीसी और नीट के लिए, तो वो आज शुरू होगा जैविक वर्गीकरण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वीडियो पूरा देखना है, एक एक बात अच्छे से समझना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से भी करवाना है, वीडियो दोस्तों के पास शेयर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। देखिए, तो टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जी हाँ बाबू, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक एक बात अच्छे से समझिएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात आता है जैविक वर्गीकरण के बारे में। जी हाँ, बायोलॉजिकल के बारे में कि जैविक होता क्या है, बायोलॉजिकल क्या है, बायोलॉजी में क्या पढ़े कि जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी। तो जैविक जो है, जैविक की अगर बात कर ले, जैविक वर्गीकरण यानी जैव की बात कर ले, और जैव का मतलब होता है संसार। संसार का मतलब क्या हो गया बाबू, यानी कह सकता है पूरा पृथ्वी, कह सकता है कि नहीं कह सकता, पूरा क्या कह सकता है, पृथ्वी। तो सुनो, इस पृथ्वी पर एक एक बात अच्छे समझना है, इस पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, अरे बाबू इस पृथ्वी है तो पृथ्वी पर पेड़ पौधा तो है ही है, बिना पेड़ पौधा को तो पृथ्वी ना है, और पृथ्वी पर क्या है, जीव जंतु है ना बाबू, जीव जंतु पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं और विभिन्न प्रकार के जंतु है। इन सबका अगर प्रजाति की बात करें तो इन सबकी प्रजाति जो है बाबू अलग अलग है कि नहीं, प्रजाति गाय की प्रजाति अलग है कि नहीं, बकरी की प्रजाति अलग है, गेंदा के फूल के प्रजाति अलग है, पीपल के, पेड़ पौधा जितना भी है अगर इसके स्पीसीज की बात करें, जी हाँ बाबू, अगर इसके स्पीसीज की बात करें, प्रजाति की बात करें, तो इसकी स्पीसीज जो है पेड़ पौधे का पृथ्वी पर और जीव जंतु का पृथ्वी पर बहुत सारा है, एक दुगो तो नहीं है। अगर ऐसा माना जाए, कुछ वैज्ञानिकों ने जो खोज किया है प्रजाति स्पीसीज, तो उसमें बताया कि पृथ्वी पर जो है अभी तक लगभग 1.8 मिलियन, जी हाँ बाबू, 1.8 मिलियन प्रजाति का खोज हो चुका है, जीवों के 1.8 मिलियन प्रजाति का खोज हो चुका है, और बाकी जो खोज हुआ है उसका सही रूप से नामकरण नहीं हुआ है, उसका पहचान नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीव जंतु और सबका रहन सहन आवाज सब तो अलग है, बोल चाल भाषा सब चीज रंग रूप सब क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न प्रकार की, तो सभी की प्रजाति क्या है, अलग अलग है। और इस अगर प्रजाति की बात करें तो जितने भी प्रजाति हैं, जी हाँ, पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव हैं और सबकी जो प्रजाति है स्पीसीज है, उस सबकी स्पीसीज की अगर बात करें तो उनकी सबको तो आप पहचान नहीं रहे कौन किसके जाति का है, लेकिन सबका अलग अलग वर्ग में बांटा गया। तो इन सबों के अध्ययन के लिए, इन सबों के अध्ययन के लिए, पहचान के लिए, अध्ययन के लिए, पहचान के लिए, पहचान के लिए क्या किया जाता है, सबको नामकरण किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू, नामकरण किया जाता है, नामकरण किया जाता है। अध्ययन के लिए क्या किया जाता है, पहचान किया जाता है, नामकरण किया जाता है, फिर उसे अलग अलग वर्ग में रखा जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, इसलिए जैविक वर्गीकरण इसको कहा जाता है। कि किसी भी जीव के प्रजाति के पहचान का कार्य किया जाए, नामकरण का, वर्गीकरण का कार्य किया जाए, जैविक वर्गीकरण कहा जाता है। अरे बाबू, जैसे हम लोग मनुष्य, तो हम लोग को मनुष्य को वर्ग में बांटा गया है, कि मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य जो है, अगर मनुष्य को देखा जाए तो मनुष्य को भी वर्ग में बांटा गया, वर्गीकृत किया गया कि मनुष्य एक जो है स्तनधारी प्राणी है। कैसा प्राणी है बाबू, स्तनधारी प्राणी है, कि मनुष्य में स्तन होता है और स्तन से दूध पिलाता है। अंडज प्राणी को अलग बांटा गया, जो सिर्फ अंडा देता है, वर्ग में बांटा गया। हाँ देखो, मनुष्यों में वर्गीकृत किया गया तो सबको अलग अलग नाम दिया गया कि नहीं दिया गया, कोई के मुन्ना, कोई के चुन्ना, कोई के चुन्नी, कोई के जुलिया, कोई के कुछ कुछ नाम रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है। अरे तोरे गांव में शनिचर के जन्म ले को तो शनिचर, मंगल के तो मंगला, बृहस्पति के बृहस्पति,
नाम रहता है कि नहीं ना। आप कोई गोर लेके बात तो गोर का करिया तो करिया ठा है कि ना, तन्नी लैटरिन कर दिया पेट बता के ना, बोल देता है कि नहीं बोलता है। तो ये टाइटल अलग चीज है, वो बताएंगे। तो वर्गीकरण होता है तो उसका नामकरण भी होता है, और उसको इसी नामकरण से क्या किया जाता है, उसकी पहचान की जाती है, होती कि नहीं। इसलिए वर्गीकरण जीवों को किया जाता है ताकि उसका अध्ययन के लिए, उसके जानने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए अच्छे से पहचान हो सके, उसके नाम जान सके, और उसको किस वर्ग में रखा गया है वो वर्गीकृत हो सके। इसलिए वो अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। ये अगर वर्गीकरण की बात करें, जैविक वर्गीकरण, तो देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने जीव को अलग अलग भागों में बांटा, अलग अलग प्लांट में, अलग अलग वर्गों में बांटा। तो देखिए यहाँ पे जीवों का नामकरण किया जाता है, पहचान किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। तो जीवों का नामकरण, वर्गीकरण, पहचान का जो कार्य किया जाता है, इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। जी हाँ, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बारे में अगर पूछे तो क्या कहिएगा कि किसी जीव के टैक्सोनॉमी। बाबू एकदम बढ़िया से समझना है, एक एक बात जो है अच्छे से समझना है। देखिए टैक्सोनॉमी जो है किसी जीव के वर्गीकरण का कार्य करता है, पहचान का कार्य करता है, नामकरण का कार्य करता है, उसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी कहा जाता है। दूसरे शब्द में इसको कहा जाता है वर्गीकृति। जी हाँ बाबू, वर्गीकी। इसको दूसरे शब्द में टैक्सोनॉमी को वर्गीकी कहते हैं। अगर ये टैक्सोनॉमी है, नामकरण, वर्गीकरण, पहचान क्या है किसी जीव का टैक्सोनॉमी, दूसरे ठेठ भाषा में अगर इसी को वर्गीकी, जो वर्गीकी लिखा हुआ है, इसको पदानुक्रमण कहते हैं। जी हाँ, पदानुक्रमण, दूसरे ठेठ भाषा में पदानुक्रमण कहते हैं। अगर इसी की बात किया जाए, अगर क्रमिकी की, जी हाँ, अगर इसके क्रमिकी की बात किया जाए कि क्रमिकी क्या होता है, तो सुन लो, क्रमिकी जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक, जिसको सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। जी हाँ, अगर इसके क्रमिकी की बात किया जाए, टैक्सोनॉमी और वर्गीकी का, क्रमिकी का, जिसको दूसरे भाषा में सिस्टमेटिक को वर्गीकी विज्ञान भी कहते हैं। सिस्टमेटिक को क्या बोलते हैं? वर्गीकी विज्ञान बोलते हैं। टैक्सोनॉमी को वर्गीकी या पदानुक्रमण भी कहते हैं। पदानुक्रमण में किसी जीव का पहचान, नाम और वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए बताएंगे कैसे पहचान होता है, वर्ग होता है, नामकरण के साथ ठेठ में बताएंगे, धैर्य रखो। देखो तो सिस्टमेटिक जो है क्रमिकी है, ये जो होता है कि जो जैव में पाए जाते हैं, जैसे वर्गीकरण किसी जीव का किया जाता है, टैक्सोनॉमी किया जाता है, टैक्सोनॉमी और कर्मिकी, ये दोनों के बीच एक संबंध पाया जाता है। सिस्टमेटिक जो है एक प्रकार का, दूसरे भाषा में इसको ऑर्डर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑर्डर भी कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि यह जीव के प्रकार, क्या बाबू? जीव के प्रकार, एकदम बढ़िया समझना है, जीव के प्रकार और जैव विविधता, जीव के प्रकार और विविधता के बीच संबंध को स्थापित करता है। यानी जीव किस प्रकार है, वो विविध किस क्षेत्र में रहता है, वो दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है, वही कहलाता है कर्मिकी। यानी वर्गीकी विज्ञान जो है क्या है, वो टैक्सोनॉमी के एक दूसरे के पूरक है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे, और वह वैज्ञानिक का नाम था, एकदम बढ़िया समझे, इधर लिखते हैं, एक वैज्ञानिक थे और उस वैज्ञानिक का नाम था जी जिम्सन। जी हाँ, जिम्सन एक वैज्ञानिक थे और उस वैज्ञानिक के नाम था जी जी अधम प अवसान जिम्सन। तो सुनो, ये वैज्ञानिक 1961 ईस्वी में, एकदम बढ़िया समझना, 1961 ईस्वी में कहा कि देखो पहचान का कार्य तो करते हो, नामकरण करते हो, तो इसमें इन्होंने क्या किया, सिस्टमेटिक्स को, टैक्सोनॉमी को अलग अलग भागों में बांट दिया। जी हाँ, सिस्टमेटिक्स को अलग बांटा। क्या बांटा बाबू? सबको अलग अलग है वर्ग में रखा, सबको अलग अलग नामकरण किया। अगर जी 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 जिम्सन की बात करें, तो जी जिम्सन ने 1961 ईस्वी में जीवों के पहचान के लिए, वर्गीकरण के लिए, नाम के लिए नामकरण जो है अलग अलग शब्दों में किया। किया पहला क्या किया? सिस्टमेटिक। क्या किया बाबू? सिस्टमेटिक्स किया, ठीक है। दूसरा नाम इसका काम किया टैक्सोनॉमी का। क्या बाबू? टैक्सोनॉमी का किया। और तीसरा किया क्लासिफिकेशन। क्या क्या? तीसरा क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे बात आता है कि सर सिस्टमेटिक्स जो किया है नाम, यानी कर्मिकी के बारे में बताया, जीवों के, जीवों को टैक्सोनॉमी के बारे में बताया,
यानी वर्गीकी के बारे में बताया जिसमें पहचान नामकरण वर्गीकरण होता है, लेकिन ये वर्गीकरण जो अलग से बताया। तो ये तीनों को जीवों के बारे में बताया कि किसी की जीवों का अगर बारे में देखा जाए तो उसके अध्ययन भी किया जाए, उसका कर्मिकी किया जाए, विज्ञान में रखा जाए, वर्गीकी विज्ञान में वर्गीकृत किया जाए, फिर उसका पहचान किया जाए, नामकरण किया जाए। तो ये जीवों के बारे में इन्होंने कहा कि इसको जो अलग अलग भाग में बांटा, सिस्टमेटिक्स के रूप में, टैक्सोनॉमी के रूप में और क्लासिफिकेशन के रूप में, और इस सब का नामकरण इस आधार पर किया, नामकरण किया। क्या किया बाबू? सभी जीव जो पृथ्वी पर थे सबको एक बताया कि नामकरण जो होगा सिस्टमेटिक के आधार पर होगा। किसके आधार पे? सिस्टमेटिक्स के आधार पे होगा, टैक्सोनॉमी के आधार पे होगा और क्लासिफिकेशन के आधार पे होगा। और इस सब जीवों के नामकरण के लिए इन्होंने दो गो कोड के आधार पे किया। दो गो कोड क्या था सुनो? दो कोड था, एक कोड है ICBM, एक कोड है ICBN और दूसरा का कोड है जो वो भी है ICBN। जी हाँ, आप ये कहेगा दोनों तो एक ही है, तो सुनो, एक हो गया आई से इंटरनेशनल, सी से कोड, बी से बॉटेनिकल, एन से नॉमन कल्चर, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आई से इंटरनेशनल, सी से कोड, बी से बैक्टीरियोलॉजिकल और एन से नॉमनी कल्चर, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमनी कल्चर, यानी नॉमनी कल्चर नामकरण, और यहाँ पे इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमनी कल्चर। इस आधार पर जीवों को नामकरण किया सिस्टमेटिक, टैक्सोनॉमिक और क्लासिफिकेशन में। तो एक और वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक का नाम था कैरोलस लिनियस। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, इसको मिटाते हैं और आगे देखिए। चलिए ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कैरोलस लिनियस के बारे में कि कैरोलस लिनियस ने कैसे जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटा था। लेकिन उनसे पहले थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं मानव वर्गीकृत में। अब हम बात कर लेते हैं, एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस से पहले जान लेते हैं, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोफ्राइटस। जी हाँ बाबू, क्या नाम था? थियोफ्राइटस। अब ये वैज्ञानिक जो थे इन्होंने कहा था कि देखो, जीवों को जब वर्गीकरण करने की बात हो तो इन्होंने कहा था, इन्होंने जीवों को वर्गीकरण किया था लेकिन किया था पौधा में। जी हाँ, किसमें किया था बाबू? पौधा में किया था, और पौधा के स्वभाव को वर्गीकृत किया। ये अलग अलग जब वर्गीकरण करना शुरू किए तो पहले पौधा के स्वभाव को वर्गीकृत किए कि पौधा का स्वभाव कैसा है, फिर उसकी शाखा को अलग किए कि पौधा में शाखा भी अलग होता है, फिर पौधा को झाड़ी के रूप में, जी हाँ बाबू, झाड़ी के रूप में वर्गीकृत कर दिए। लेकिन अगर जंतु की बात करें, ये थियोफ्राइटस किए थे, लेकिन अगर जंतु की बात करें तो जंतु थियोफ्राइटस किए थे ना, तो 320 ईसा पूर्व में, जी हाँ, जिसको 320 बीसी बोलते हैं, ठीक है, 320 ईसा जन्म के पहले से तो थियोफ्राइटस किए थे। लेकिन हाँ, ये बहुत पुराना वैज्ञानिक है, सुनो, बीसी। तो यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। और यही वैज्ञानिक जो थे, जिनको इंग्लिश अरिस्टोटल लिखते हैं, यही अरस्तु वैज्ञानिक ने जंतुओं को दो वर्गों में, जी हाँ बाबू, अगर बात करें जंतु को तो जंतुओं को दो समूह में बांटा था। कितने समूह में बांटा था? जंतुओं को दो समूह में बांटा। अब दो समूह कौन कौन था? अब सुनो, दो समूह में बांटा था। एक जो समूह है वो समूह था, एक पहला जो समूह होता है और दूसरा समूह। तो पहले समूह की अगर बात करें तो पहले समूह का नाम है एनेइमा, एनेइमा, जी हाँ, एनेइमा, जिसको एनेइमा कहते हैं। अब ANAIMA, चलिए, क्या? एनेइमा। अब ये एनेइमा के वर्ग में पहले बांटा अरस्तु जो थे, इन्होंने सर्वप्रथम, अगर इनको बात करें तो सर्वप्रथम वर्गीकरण का श्रेय जो जाता है सर्वप्रथम वो जाता अरस्तु को ही, कि जंतुओं में जो वर्गीकृत किया था, दो समूह में बांटे थे जंतुओं को, वो अरस्तु के थे। पहला था एनेइमा। एनेइमा में बताए कि इसमें जो जंतु पाए जाते हैं उसके जंतु में आरबीसी पाए जाते हैं, आरबीसी पाए जाते हैं, ब्लड पाए जाते हैं, ब्लड पाए जाते हैं, तभी ना आरबीसी पाए जाएंगे। जी आरबीसी ब्लड पाए जाते हैं, और इसमें जो है आरबीसी ब्लड पाए जाते हैं वो ऐसे जीव को एनेइमा में रखा, जैसे नाइडेरिया, अगर बात करें प्लांट किंगडम पढ़ा होगा 11th में आप लोग,
तो नाइडेरिया हो गया, नाइडेरिया हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया संघ, ये सब क्या है, ये रखा गया एनेइमा में। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा इन्होंने बताया था कि दूसरा जो है इनेइमा, जी हाँ दूसरा बताया था इन्होंने इनेइमा, इनेइमा में रखा। पहला क्या इन्होंने बांटा समूह को, जंतुओं को, पहला समूह एनेइमा, एनेइमा में, और दूसरा का इनेइमा में, इनेइमा में। इसमें बताया कि इसमें जो जीव पाया रखा गया इस वर्ग में, इसमें भी जीव के शरीर में ब्लड पाया जाता है, क्या पाया था, ब्लड पाया जाता है, लेकिन इसमें जो जीव होते हैं वो कशेरुकू जीव होते हैं, कशेरुकू जीव। अब कशेरुकू क्या होता सुन लो, वैसा जीव जिसमें रीढ़ पाया जाए, यानी सीधा कहता है नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो कशेरुकू जीव को रखा किसमें, एनेइमा में, कौन रखा, अरस्तु, और एनेइमा में किसको रखा, ब्लड, जिसमें से ब्लड आर्थ्रोपोडा जैसे आता है, नाइडेरिया मोलस्का, ब्लड भी पाया जाता है, लेकिन इसमें ब्लड के साथ साथ क्या पाया था, कशेरुकू जीव पाया था, हड्डी वाला जीव पाया जाता है, ठीक है, जिसमें हड्डी वाला पूर्ण रूप से रीढ़ होता है। तो ऐसे जीव को एनेइमा को समूह में दो भाग में बांटा, अरस्तु ने फिर इसको एनेइमा को दो भागों में बांटा था, एक बांटा था विविपेरस, विविपेरस, और दूसरा का बांटा था ओविपेरस। अब विविपेरस ओविपेरस क्या होता सुनो, विविपेरस बोलते हैं और ओविपेरस, विविपेरस बोलते हैं संतान प्रजक को, संतान प्रजक को, और ओविपेरस बोलते हैं अंड प्रजक को, अंड प्रजक को, जो अपने जीवन में सिर्फ अंडे की उत्पत्ति करता है, अपने जो जीव अपने जीवन में सिर्फ अंडा उत्पन्न करता है उसे अंड प्रजक, और जो जीव अपने जीवन में सिर्फ संतान उत्पन्न करता है, अंडा उत्पन्न नहीं करता, उसे संतान प्रजक। तो एनेइमा को भी दो भागों में बांटा अरस्तु ने, एक विविपेरस के रूप में, एक ओविपेरस के रूप में, एक अंडा देने वाला जीव और दूसरा का बच्चे को जन्म देने वाला जीव। अब हम बात कर लेते कैरोलस लिनियस को, ठीक है, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए एक वैज्ञानिक थे और उस वैज्ञानिक का नाम था कैरोलस लिनियस, क्या नाम था बाबू, कैरोलस लिनियस, ये वैज्ञानिक के नाम था, क्या नाम था, वैज्ञानिक के नाम था। इनके अगर जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म जो हुआ था 1707 ईस्वी में हुआ था, जन्म कब हुआ था 1707 में, और निधन की बात करें मृत्यु तो 1778 में मृत्यु हुआ था, और इन्होंने बीच में 1758 ईस्वी में, बीच में ही 1758 ईस्वी में ही इन्होंने एक पद्धति दिया था जिसका नाम था द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, क्या नाम था बाबू, द्विनाम पद्धति। सुनो इसमें बताया किसी भी जीव का नाम दो नामों से पूरा होता है, ठीक है, जैसे बोला कि नाम लो किसी का, चलो एक नाम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, नाम, ठीक है, और नाम में क्या लिए, अंशु, अंशु चाहे कोई भी ऐसा नाम हो, चलो मान लेते हैं शंकर ही ले लेते, क्या ले लेते हैं, शंकर, शंकर क्या ले लिए, नाम ले लिए। अब जब इस शंकर का क्या हुआ, सर्वप्रथम जन्म हुआ, बताए कैरोलस लिनियस कि संसार में जितना भी जीव है सबके दो नाम होता है, बिना दो नाम से पूरा ना होवे वाला है। बोले क्या, बोले बाबू कि ये वो देखो व्यक्ति है, उसका जन्म हुआ तो उसका नाम रखा है शंकर, लेकिन उसका कुमार है कि कुमार ये पता चला नहीं, पता चला, यही अगर टाइटल में लगा दे शंकर कुमार तब जानेगा, अच्छा शंकर कुमार तभी क्या है, लड़का है कि नहीं। तो बोले कि किसी भी जीव का नाम संसार में दो नाम से पूरा होता है, किसी जीव का पहला नाम जो होता है जीनस होता है, तथा उसका दूसरा नाम जो होता है स्पीसीज होता है, क्या होता है दूसरा नाम, स्पीसीज होता है, यानी उसकी जाति होता है कि वह किस जात का है, लड़का जात का है, लड़की जात का। तो सुनो मान लो शंकर इसका जन्म हुआ, तो जब जन्म होता है तो उस समय कोई कहता है कि आज शंकर कुमारी रख दे, शंकर कुमार खाली बोलता शंकर रख दे, शंकर रख दे, कहता कि नहीं कहता। तो जब जन्म लिया तो सबसे पहले इसका नामकरण हुआ, जन्म लिया सब जीव तो सबसे पहले इसका क्या, मान लो कोई जीव है और उसका सर्वप्रथम क्या हुआ बाबू, नामकरण होता है, नामकरण हुआ कि नहीं हुआ, नामकरण के बाद उसकी जाति पूछी जाती है,
कि कौन जात की है तू, लड़का जात की कि लड़की, तो लड़का जात के तो क्या कुमार लगेगा, लड़की जात के तो कुमारी लगाते लगाते नहीं लगाते, तब उसका क्या होता है बाबू, नामकरण हो गया, तब उसका वर्गीकरण हुआ, क्या हुआ उसका वर्गीकरण हो गया, क्या अच्छा ये लड़का वर्ग का है लड़की वर्ग का नहीं है। लेकिन देखिए किसी भी जीव का नाम कितने नामों से पूरा हो रहा है, दो नामों से, उसका पहला नाम जीनस, दूसरा नाम स्पीशीज, यानी स्पीशीज उसकी क्या है जाति बताता है वर्गीकरण के कि लड़का वर्ग का है लड़की वर्ग का, कुमार है तो क्या पता चला लड़का वर्ग, अगर एक शंकर कुमारी तो लड़की वर्ग का है कि नहीं है, तो ये चीज जो है क्या है वर्गीकरण है, ठीक है। तो पहले जीव जन्म लेता उसका नामकरण हुआ, फिर उसका वर्गीकरण हुआ, यही चीज बताए कैरोलस ने, किसी भी जीव का नाम दो नामों से पूरा होता है, पहला उसका नाम जीनस होता है, दूसरा का स्पीशीज। जीनस को देखते हैं, नाम लिखते हैं तब कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं कि नहीं, बड़का से, और स्पीशीज को स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर में लिखते हैं कि नहीं लिखते, लिखते हैं ना। अब यही चीज मान लो इसका एगो नाम रखेगा वर्मा, शंकर कुमार वर्मा, ठीक है, या शंकर कुमार सिंह, शंकर कुमार दांग, कुछ भी यादव, शंकर कुमार यादव, ये जो जाति के आधार पर एक अलग से नाम रखे जाते हैं इसको बोलते हैं पहचान। ये क्या करता है, पहचान का काम करता है कि शंकर कुमार वर्मा छाई वर्मा जी थी, मान लो ये गांव है, आईस गांव में शंकर कुमार के तीन व्यक्ति है, आप जाके कहेगा कि शंकर कुमार ही हमारा जाना है तो कोई पहुंचा है, कहेगा तीन तीन को शंकर के कराई जाना है, तब बोलेगा शंकर कुमार, तो कहेगा तीनों तो शंकर कुमार है, तो कहेगा कि शंकर कुमार वर्मा के यहाँ जाना है, किसके यहाँ, वर्मा के यहाँ, तो वर्मा क्या है उसकी पहचान है, टाइटल है। तो किसी भी जीव का नाम कितने नामों से पूरा, दो नामों से, एक जीनस दूसरे का स्पीशीज, तीसरा जो नाम होता है या इसकी पहचान होता है, यानी पहला नामकरण, दूसरा वर्गीकरण, तीसरा क्या हो गया पहचान हो गया, तब इसी को बोला जाता है टैक्सोनॉमी, इसको क्या बोलते हैं टैक्सोनॉमी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बाबू क्या त्रिनाम पद्धति, पहला उसका नामकरण जीनस, तथा उसका दूसरा उसकी वर्गीकरण स्पीशीज, और तीसरा उसकी पहचान का काम यानी त्रिनाम पद्धति भी होता है। तो किसी भी जीव का नाम कितने नामों से पूरा होता है, दो नाम से, पहला जीनस, दूसरा स्पीशीज, जीनस को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्पीशीज को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तीसरा एक टाइटल नाम जिसको पहचान का कार्य करता है, करता कि नहीं करता है। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।